একুশের সভামঞ্চে বক্তব্য রাখলেন অখিলেশ যাদব। কি বললেন অখিলেশ যাদব শুনে নিন। चाह के भी लोगों का भला कभी उनका मकसद नहीं होता, न कभी रहेगा ऐसे लोगों का। इसलिए हर हाल में मैं किसी भी स्तर तक वो लोग गिर करके सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हालांकि बंगाल ने, आप लोगों ने मिलकर के यहां मुकाबला किया, बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया, यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लोगों का भला न कभी इनका मकसद रहा है न कभी रहेगा। इसलिए हर हाल में किसी भी स्तर तक गिरकर सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की तो जान लेते हैं लेकिन खुद कभी जान नहीं देते हैं। ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं। अगर इनका इतिहास उठा करके देखेंगे, संयंत्रकारी लोगों का, ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं, दूसरों के महापुरुषों को अपना बताने का षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि नकारात्मक लोगों के पास अपने महापुरुष नहीं होते, न इनके पास गुरुदेव होते हैं, न नेताजी होते हैं। जो लोग इंसानियत को बांटते हैं उनके बीच कोई महापुरुष भी कैसे बन सकता है, कैसे आ सकता है? महापुरुष होने की पहली शर्त यही है कि उसके दिल में इंसानियत धड़कती हो और जो सच के साथ देने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता हो। ऐसी हिम्मत और हौसला नकारात्मक राजनीति करने वालों में न कभी रहा है और न कभी रहेगा। जब जब जनता जागरूक होती है ऐसे लोगों में खलबली मच जाती है, इनके झूठे प्रचार और जुमलों की कलई खुदने लगती है और ये भी हताश होकर के आपस में लड़ने लगते हैं। जो लोग नकारात्मक ताकतें आखिर में अपने अंदर ही कलह से खत्म होती हैं, आज देश जाग उठा है, ऐसी ताकतों को पैर उखाड़ना शुरू हो गए हैं। हम और आप लोग मिल करके निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम और आप लोग मिल करके पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। और पॉजिटिव पॉलिटिक्स का वक्त आने वाला है और वही वक्त आएगा जब लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। हम सब लोग मिल करके देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भाईचारों को बचाने के लिए हम सबको एक होना है और एकजुट रह करके इनका मुकाबला करना है। इसलिए आज यहाँ आए हर समर्पित कार्यकर्ता से मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आपका नेता, आपकी नेता बहुत बड़ी नेता हैं। उन्होंने लड़ करके, संघर्ष कर करके, अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस दल को, इस पार्टी को आपका साथ लेकर के यहाँ पहुँचाया है और दूर तक जाना है। इसलिए जिस तरीके से आपने हमेशा उनके संघर्ष में साथ दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। और मैं आज के दिन जब अपने शहीद कार्यकर्ताओं के साथ याद करते हुए यहाँ आप खड़े हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग भी आपका हमेशा हमेशा साथ देंगे। जो लड़ाई आने वाले समय में होने जा रही है उसमें हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं आखिरी में आप लोगों के बीच में उन बातों को कहना चाहता हूँ, एक एक कार्यकर्ता के लिए कहना चाहता हूँ कि हिम्मत को बनाना हथियार
और असूलों को बुनियाद रखना, अपने हौसलों को हौसला देने के लिए अपने शहीदों को हमेशा याद रखना। ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने शहीद कार्यकर्ताओं को हमेशा याद रखते हैं, और आपका दल, आपकी नेता ऐसी है जो कार्यकर्ता को न केवल सम्मान देती है, बल्कि जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वर्षों वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन आज भी उन कार्यकर्ताओं के प्रति वही प्यार और सम्मान है। इसलिए मैं ऐसे नेता का धन्यवाद देता हूँ, ऐसी पार्टी को बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुला करके मुझे अपने कार्यकर्ताओं से परिचय कराने का काम किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और दीदी का विशेष धन्यवाद दूंगा और उनके साथियों का जिन्होंने मुझे बुला करके इस मौके पर आपसे मिलने का मौका दिया है। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।